अस्सलाम वालेकुम जी, एक नई वीडियो दे नाल जिन्होंने सब नो वाम वेलकम सारे चैनल पे। अज का बेसिक मकसद यह कि मुख्त लोगों ने मुख्तलिफ क्वेश्चन किए थे, खास तौर पर जोड़े बंदे बगैर पेपरों तो स्पेन च रहते हैं उन्होंने की करना चाहिए। तो मैं कई पॉइंट कट्ठे किए ने कि एक इलीगल बंदे वास्ते कि चीज़ स्पेन में जरूरी होंगी, कि मेन 8 पॉइंट, कि जनरल इनफॉर्मेशन जी होंगी, जोड़े बंदे तो स्पेन ऑलरेडी रेंदे पे पहले रह रहे हैं उन्होंने कई चीज़ों का पता होंगे। लेकिन जोड़े बंदे इस टाइम बाहर बैठे ने, आना चाह रहे हैं, पाकिस्तान बैठे ने या यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों बैठे ने, वो फिर कई सवाल करते हैं। तो फिर उन्होंने मैं सोचा थोड़ा डिटेल हर पॉइंट डिस्कस किया जाए। नॉर्मल तौर पर कोई भी बंदा जोड़ा इलीगल स्पेन च उदों आंदा या तो कोई बंदा वीज़ा पर आंदा और आके वो 3 महीने का वीज़ा से 6 महीने का वीज़ा से वो पूरा हो गया, अगू वीज़ा एक्सटेंड नहीं होया, वो वापस नहीं गया, बंदा इलीगल हो गया। या फिर जोड़े बंदे डंकी ला के आते हैं उन्हों को कोई वीज़ा नहीं होता, कोई कार्ड नहीं होता, उंज ही आ जाते हैं है इलीगल तरीके। और तीसरे नंबर पर वह बंदे आते हैं जोड़े बंदे जिन्हों को पहले कार्ड से स्पेन के पेपर से वो किसी वजह तो पेपर खवी गए ने, उन्होंने वापस लै लेने स्पेन अथॉरिटीज़ ने और वह बंदे जोड़े ने इलीगल हो गए हैं। हुण सब तो पहले जिहड़ा कोई भी बंदा जदों भी स्पेन आएगा तो वह इत्थे आके पदरोन कराएगा। पदरोन किनू कहिंदे ने? पदरोन है उस चीज़ नू कहिंदे ने कि तुसीं अपना अंदराज जिहड़ा है वह कराना हुंदा कि मैं फलां मकान ते रहना पिया, और यह सब तो अथेंटिक डाकूमेंट हुंदा जिहड़ा तुसीं पेश कर सकते हो कल नू जदों तुसीं अपने पेपर जमा कराने हुंदे ने। ठीक है जी, इहदे वास्ते की जरूरी हुंदा? इहदे वास्ते जरूरी यह हुंदा कि तुहाडा पासपोर्ट होवे तुहाडे कोल, और तुसीं अयुनता मियन तो जिहड़ा दफ्तर स्पेन गोरमेंट का जिस सूबे च जिस शहर च जिस पिंड तुसीं रह रहे उसका वो हर पिंड च दफ्तर हुंदा, उहदे च जाके तुसीं यह कराना। तो आटोमैटिकल नहीं होना हुंदा, किसी के मकान पर कराना हुंदा तो वह मुतलका बंदा जिहड़ा हुंदा वो तुहाडे नाल जाना चाहिए या फिर उहदी अथॉरिटी होनी चाहिए। मसलन है कि या तो तुहाडे नाल चला जाए मकान का कंट्रैक्ट लैके जिस मकान चो रहा, फिर तो उस टाइम पदरोन हो जाएगी। अगर नाल नहीं जा सकता तो फिर वो कंट्रैक्ट से अपनी रेजिडेंसी कापी दे, बाद चो पेपर देने वो को साइन करवा के जमा करा, फिर पदरोन हो जाएगी है। इस तो अलावा जी, इस तो अलावा क्या सदा चलती पदरोनामेंट? तो पदरोनामेंट तो सदा नहीं चलती है, पदरोनामेंट तो कंटिन्यूसली 2 साल तक चलती है अगर मालक कटाए ना। अगर मालक कटा दे तो फिर खत्म हो जाती है। इस अगले पदरोनामेंट तो कंटीन्यूअसली चैक करना चाहिए। चैक किस करना चाहिए? तो जाके यूनिटामेंट तो अपने पदरोन का अपना पासपोर्ट लैके जो मैं पदरोन का कापी दे छोड़ो, वो फ्री ऑफ कास्ट होंगे, वो उस टाइम दे सकते हैं। ठीक है जी, अगर कटाते नहीं है तो फिर यह होगा कि 2 साल चलेगी, 2 साल बाद यूनिटामेंट तो लैटर भेजेगी आ जाओ और उस मकान पर तुम उन्होंने जाके रिन्यू करा लो। वैसे कख नहीं चाहिए होंगे, वैसे तुम सिर्फ परसनली पेश होना होंगे और करानी होंगी है। ठीक है जी, है दूसरे नंबर पर इंपोर्टेंट पॉइंट, जोड़े बंदे न्यू आ रहे हैं उन्होंने यह समझना चाहिए कि स्पेन सारी बात हर बंदा पेपर वास्ते आता तो वह यही होंगे कि पेपर लेने ने। ठीक है जी, स्पेन च पेपर दो जी मेन चीज़ों अराइगो कहने ने। ठीक है जी, अराइगो इस टाइम मेन जी 2 किस्मों की चल रही है, एक 2 साल वाली चल रही है जिन्होंने लाबोराल कहने, एक 3 साल की चल रही है जिन्होंने सोशियाल कहने। ठीक है जी, सॉरी मेरी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक। तो लाबोराल जी होंगी है वो वास्ते अगर दसानिया से उन्होंने थोड़िया मुश्किल काढ़िया ने, वो बंदे जे आते हैं आके साइलम करा लेना, साइलम मिल जाए उदे ते 6 महीने अपना कंट्रैक्ट चला लेना, कंट्रैक्ट चला के उस तो बाद उन्होंने साइलम खत्म हो जाती है जो भी होंगे, और 2 साल दौरान अपना 6 महीने का काम लीगल शो कर लेन, तो उन्होंने लाबोराल अप्लाई कर लेन के ना होगा, तो 3 साल पूरा करना अपना पदरोनामेंट, तो फिर पदरोन साहब वास्ते जरूरी है। ठीक है जी, और पदरोन पूरी करके 3 साल का बेसिक किसी को कंट्रैक्ट लैन और अप्लाई कर लेना। ठीक है जी, उस तो बाद तीसरी इंपोर्टेंट चीज़ जी है मेडिकल कार्ड स्पेन का। ठीक है जी, स्पेन में किसी भी जगह पर जाना अटेंड करना मेडिकली तो तुहाडे कोल मेडिकल कार्ड मंगते हैं किसी भी हॉस्पिटल से जाना। ठीक है जी, इस तो पहले तो ऐसी है कि जो रखोई की गोरमेंट आई सी 2011 तो उन्होंने खत्म कर छड़े थे मेडिकल कार्ड के इलीगल मेडिकल कार्ड नहीं देना, लेकिन हूँ जो सांचेस की गोरमेंट आई है 1946 साल की इन्होंने दोबारा इशू कर दिता है। ठीक है जी, और तुम ऑनलाइन भी मेडिकल कार्ड अपने पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो या मुतलका जिस पिंड शहर च रह रहे हो उस महल का मुतलका जरा महला क्लीनिक होगा। ठीक है जी, है और जाके तुम अपना पासपोर्ट लै जाना और अपना मेडिकल कार्ड अप्लाई कर छड़ना। ठीक है जी, है और तुम मेडिकल कार्ड बन के थोड़े घर आ जाएगा जो पता दवोगे
और स्पेन का मेडिकल कार्ड सिर्फ एक सूबे वास्ते होता है, दूसरे सूबे का मतलब कमुनिदाद, सॉरी कि जिस तरह एक्सरे मदूरा कतालूनिया, कतालूनिया के तीन सूबे ने, उस सारे सूबे वैलिड होगा, लेकिन तुम जो भी सूबे तो आउट होवोगे, कमुनिदाद तो आउट होवोगे, तो दू वक्ती तौर पर अटेंड कर लेंगे लेकिन वो तुम्हें उत्थे का मेडिकल कार्ड मुतलका बनवाना पवेगा। उस तो बाद जोड़े लोग कतालूनिया च रहेंगे, बार्सिलोना वगैरह, तारागोना, चिरोना, जोड़ा इलाका है जो इतने रहेंगे, इन्हें जो भी 3 साल बाद पेपर अप्लाई करने, इन को कतालान और कस्तेयानो, स्पैनिश का और कतालान का सर्टिफिकेट मंगते हैं कि तुम जबान सीखी है कि नहीं है। जरा कतालान का सर्टिफिकेट एक इन्हों का एक दफ्तर होंगे कॉन्सोर्सी नॉर्मा नॉर्मली सासियो लिंग्विस्टिको, ये जाना होंगे, और स्पैनिश का भी सर्टिफिकेट जो दफ्तर होंगे इतने जाना होंगे, और ये फ्री ऑफ कास्ट होंगे, इन्हों का कोई पैसे नहीं लेंदे आना, लेकिन जाना होंगे 45 घंटे का सर्टिफिकेट होंगे, ठीक है जी। ये तुम पूरा करने होंगे ने, और जाके तो कोई पेपर शेपर नहीं होंगे कि जाके पेपर पास करने ने, फिर सर्टिफिकेट, ये सिर्फ बैठना होंगे जाके, हाजरियां अपनी पूरी करनी होंगे ने, जो 45 घंटे पूरे हो जाएंगे वो तुम सर्टिफिकेट दे देंगे कि तुम आके क्लास में बैठे हो और तुम इस चीज़ की स्टडी की है। वे पंजवें नंबर तो इंपोर्टेंट चीज़ जी चीज़ देन रखनी चाहिए वो वे डिपोर्ट, ठीक है जी। डिपोर्ट मैं इस तेल का भी वीडियो बनाई सी है, उन्हें तो जो शार्ट का जिक्र कर दें, डिपोर्ट का मतलब है कि जो भी स्पेनिश अथॉरिटीज तुम फड़न गया है तो वो थोड़ी डिपोर्ट फाइल ओपन करेंगे, हाँ तुम्हें पासपोर्ट ना फड़िया, हाँ तुम्हें बगैर पासपोर्ट तो फड़ लिया, ठीक है जी। वो जो डिपोर्ट फाइल ओपन कर लेंगे तुम्हें पता होना चाहिए साड़ी डिपोर्ट फाइल ओपन होगी, उस टाइम थोड़ी डिपोर्ट नहीं करते हैं लेकिन थोड़ा डिपोर्ट केस ओपन हो जाएगा, वो फिर तुम नाल ही सरकारी वकील देंगे, वो अपना केस फॉलो करना है, केस में जोड़ा लुगिया नहीं छड़ना है कि अगू पता ही ना किता लुगिया ना छड़ना, क्योंकि होंगे कि तुम जो वकील देंगे तो फोन नंबर ले लो, उन्होंने बस रबता उन्हें गाहे बगाहे करते रहो, अपना नंबर दे छोड़ो, अपना ईमेल दे छोड़ो, ठीक है जी। कोई भी इशू है मेरे ना रबता कर लेना, ठीक है जी। पूछते रहो मेरे केस का की बने, 3 महीने का नॉर्मल, 3 महीने के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट जो डिपोर्ट फाइल का जो नॉर्मली 99.99% डिपोर्ट कर देता है, मतलब है कि कहना कि डिपोर्ट किया जाए, लेकिन नाल एक महीने का टाइम देता है कि इसके खिलाफ अपील कर लो, तुम जो ग्रुप ऑफ एक्शन हेरो के सामने उन्होंने आखो मेरी अपील कर छड़े, ग्रुप ऑफ एक्शन हेरो के सामने जो यही आर्डर आ जाएगा उन्होंने कहो ठीक है जी मुतलका अदालत अपील कर छोड़ो, उत्तर साल को लंघ जाता है, उस तो बाद फिर है जी उस तो उतली अदालत अपील कर छोड़ो, वो इस तरह करद करना थोड़ा 2-3 साल निकल जाएंगे है, और थोड़ा आर्डर फिक्स नहीं होगा, फिक्स आर्डर नहीं होगा फिर तुम पेपर वास्तव मुश्किल नहीं बनेगी, जो ही थोड़े 3 साल पूरे होंगे तुम्हें मुकम्मल इनफॉर्म जमा बना के अपने वकील को देने, देखो मैंने 3 साल पूरे हो गए या मैंने 2 साल पूरे हो गए, मैं रायगोल अबराल से अपलाई करना तो मेरे फिंगर माफ करा, वो ही डॉक्यूमेंट वकील जो अपने केस में देगा जिते करता है कि देखो जी हूँ बंदे को सारे बंदे को स्पेन च रहने का हक के लिया इन ये फिंगर माफ़ किए जाने या केस माफ़ वो केस उस टाइम माफ़ हो जाता कोई जुर्माना आएगा तो अगर 600 यूरो आता सी है ठीक है जी है तो वो माफ़ हो जाएगा, लेकिन अगर केस में तुम लुका छोड़ोगे तो वैसे मसाइल पेश आवन गया। 6वें नंबर पर इंपोर्टेंट चीज़ होनी चाहिए कि जरा एक्शन हेरे का स्पेशलिस्ट वकील करना चाहिए है, एक्शन हेरे का मतलब है कि जरा भी साढ़े वकील वो करो जो सा मामलात में अथेंटिकली जाने, ठीक है जी। बस उन्होंने तो पाकिस्तानी एक दो वकील हैं ने असनाथ भाई ने होर इस तरह के एक दो वकील ने या इतने सगला फमिलिया पत्रिशिया सी है तो वो कम से कम जो लोग एक्सन हेरे के इस मसाइल में ठीक जानना है, अमूमन असं योजे वकीलों के इतने चढ़ जाने जिन्होंने ना एक्सन हेरे का पता होंगे थोड़ा बहुत पता होंगे, नॉर्मल वकील जरा स्पेन एक्सन हेरे का कख पता नहीं होता, तो हमेशा गलत लाइन पर पाएगा और हमेशा गलत इनफॉर्मेशन देगा, क्योंकि मैं इस चीज़ का अंदाजा होता है कई बंदे मेरे रबता करते रहते हैं ना और मेरे को पुछते हैं कि हाँ जी यह बन गया, हमेशा वकीलों ने उन्होंने गलत लाइन से पाए होंगे, वकीलों ने उन्होंने अपने हिसाब से चला रहे होंगे तो वो पता कख नहीं होता, तो फिर बेहतर है किसी एक्शन हेरे के स्पेशलिस्ट वकील ने रबता करो है तो वो तुम्हें अगली गल दस है, क्योंकि मैं डिपोर्ट का एक और कमेंट करता के बाद मैंने एक लड़के ने भी कमेंट किया कि कोई नहीं डिपोर्ट नहीं करते, मैंने अगले दिन भी एक बंद का आया से बेचारे तक वह भी डिपोर्ट फाइल जो डिपोर्ट फिक्स हो गया उसने फॉलो नहीं किया किसी बंद मशरा नहीं दिता है, हूँ उन्होंने पेपर जमा कराया से उन्हें आखा से तेरा डिपोर्ट तेनों तो अभी पेपर दे नहीं सकते, तो फिर बेचारा पाजरा से मेरे ना मशवरा किया, फिर मैं अगर एक दो एक्शन हेरे के स्पेशलिस्ट वकील ने दसा कि तुम उत्थे जाकर उन्होंने मशवरा करो देखो इदा कुछ हो सकता कि नहीं है। उस तो बाद 7वें नंबर पर है कि थोड़े को तुम्हें पता होना चाहिए कि इतने स्पेन के
कि एक शादी का केस चल सकता है, एक उन्होंने कहने परेखा दे चो। परेखा का मतलब आता है तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रजिस्टर्ड हो चो। अगर तो मतलब है कि तुम्हें कोई लड़की मिल जाती है जी यूरोपीय यूनियन की नैशनल हो या स्पेन की नैशनल हो, यानी कि इस मुन्ह मुल्क का किसी को पासपोर्ट हो, तुम शादी लंबे प्रोसेस नहीं जाना चाहते, तुम परेखा दे चो कर सकते हो कि ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रजिस्टर्ड हो जाए। बड़े आसान तरीका होता है, मतलब नोटारियस भी जाकर कर सकते हो और किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस लाइक यूनता मेहनत भी जाकर कर सकते हो। बड़ी आसान प्रोसेस होंगे, ठीक है जी। वो जरूरी होंगे किसी एक बंद की पता मैंने तो जिस हल्के करानी जिस इलाके करानी उत्तर रजिस्टर्ड हो गया है। इसका भी बहुत बड़ा मसला है कि बहुत लोगों ने इसकी इनफॉर्मेशन नहीं होंगी है, और जिसकी वजह तो फिर जो बेचारे जड़े धक्के पे खाते हैं कि सारी शादी नहीं हो चुकी, शादी लंबा प्रोसेस के बाद दफा स्पेन लड़कियां राजी नहीं होंदिया है ना कि क्योंकि शादी कराई तो फिर जायदाद हर चीज़ जो मेरे ना आए होएगी मैंने वही देरी पवेगी है। इस गल फिर बेहतरीन तरीका फर्स्ट स्टैप आता तो परेखा दे चो कर दो। मजीद है फिर जो किसी बंद ने डिटेल पूछी उस बारे दाँगा। और आखिरी चीज़ है कि यह जान लेना चाहिए कि स्पेन के बगैर पेपर जोड़ा भी काम किया जाता उन्हों यानी कि तरबाह नेगरों कहते हैं कि मतलब है कि वह तो कोई कंट्रैक्ट नहीं होगा बगैर पेपर, तुम जिदे को भी काम करोगे बगैर कंट्रैक्ट करोगे वह कोई तुम्हें बेनीफिट्स नहीं होएगा, ना ही तुम्हें कोई बेनीफिट्स मिलने, ना ही तो कंट्रैक्ट होगा, ना ही तुम्हें कोई सगुरीदार पैसे देगी है, ठीक है जी। उन्होंने फिर तरबाह नेगरों कहा जाता है, इसके लिए अजेन रखना चाहिए कि जो मैं काम करना वो तो ना ही मेरा कंट्रैक्ट होगा, ना ही उदो मैं पैसे भी घट मिलेंगे, ठीक है जी। अगर एक लीगल बंदे नूं 1000 यूरो देने तो उन्होंने हो सकता 700 देना 800 देना, ठीक है जी। दुआ में याद रखियो। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।